पुष्पांजलि चालिया। मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में आज एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड बुक थ्री लेकर आई हूँ। इसका जो फर्स्ट लेसन है उसको मैंने रीडिंग करके समझाया था लास्ट वीडियो में, और आज मैं इसी लेसन का पेज नंबर टू, बच्चों आप लोग निकालिए पेज नंबर टू में, इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको मैं आज आपको आंसर्स बताऊंगी करके समझाऊंगी। मैंने ये आंसर्स बना के लाए हैं आपके लिए पीडीएफ फाइल, और ये आपको लिंक मैं आपको दे दूंगी, उस लिंक से आप ओपन करके उसको लिख भी सकेंगे। पहले आप लोग समझ लीजिए, मैं आज आपको समझा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, इसका पहला क्वेश्चन जो है वह रीडिंग इज फन के फन में आता है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी, यह बच्चा जो उस कविता में जो बच्चा है वो खुश क्यों था। द चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज शी कैन नाउ टॉक एंड प्ले विद द स्काई, सन, विंड, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीस। बच्चा किस लिए खुश था? बच्चा खुश था क्योंकि सुबह हो जाने के कारण अभी वह आसमान से, सूरज से, हवा से, चिड़िया से, पेड़ से, घास और जो बीज है, मधुमक्खी है, सबसे वह बातें कर सकता था। तो क्वेश्चन नंबर टू, टू हूम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग, ये बच्चा किससे कहता है गुड मॉर्निंग। तो आंसर होगा क्या इसका, द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, विंड्स, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज, इन सबको जो बच्चा है वह गुड मॉर्निंग कहता है सुबह उठकर। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू, यह बच्चा क्या करना चाहता था। आंसर, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू प्ले विद द स्काई, सन, विंड्स, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज, इन सबके साथ खेलना चाहता था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा जो है उसी पेज में, पेज नंबर टू में टॉक टाइम दिया गया है, मतलब कि इसके जरिए, इस क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को बातचीत करनी है। क्वेश्चन नंबर वन, इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, एट नाइट आई से गुड नाइट, ए डॉग सेज बो वो, अ काउ सेज मू मू, से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज। और इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने, योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर, कहा है कि से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपने अपने भाषा में गुड मॉर्निंग कहिए अपने दोस्तों को भी और अपने टीचर को भी, अध्यापक को भी। तो आप कैसे कहेंगे, आपकी निजी भाषा का सबका एक अलग लैंग्वेज होता है, तो मेरा भी है उसी प्रकार से। मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ, हिंदी में आप गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्त, सुप्रभात सखा, सखा का नाम ले सकते हैं साथ में, फिर अपने अध्यापक को सुप्रभात अध्यापक, अध्यापक जी का नाम लेके, या कैसे भी आप बोल सकते हैं। यह क्वेश्चन प्रत्येक बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ होने से भी जरूर बात करके देखिएगा। How would you wish them when you leave school in the evening? दूसरा क्वेश्चन क्या है टॉक टाइम में, कैसे आप जब आप छुट्टी के टाइम में, when you leave school in the evening, मतलब कि छुट्टी के टाइम में आप कैसे विश करते हैं, विश तो करते होंगे, तो हम कैसे करते हैं, we can wish them as bye bye, have a good day,
हम क्या कहते हैं, बाय बाय, आज का दिन शुभ हो। उसी प्रकार से एक और प्रश्न पेज नंबर 2 में दिया गया है वर्ड बिल्डिंग का। ये है वर्ड बिल्डिंग, मतलब कि वर्ड पावर। आपको ये सारे क्वेश्चंस खूब करने चाहिए ताकि आपके वर्ड पावर जो है वह बढ़ सके। आप जितना वर्ड पावर अपना बढ़ाएंगे, बड़े होकर आपको पढ़ने में उतनी ही आसानी होगी। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन 1, लेट्स से अलाउड। अलाउड मीन्स, बच्चों अलाउड का मतलब होता है जोर से, मीन्स स्पष्ट रूप से, थोड़ा जोर से आवाज करके बोलना है। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइम विथ। पोएम में आपको ढूंढने के लिए कहा गया है बीज, बीज का राइमिंग वर्ड। आपको बीज का राइमिंग वर्ड पोएम में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, मेरा वीडियो तो अभी गायब हो गया। गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। तो ट्रीज और बीज का राइमिंग वर्ड हमें मिल रहा है। तुक, राइमिंग वर्ड मतलब तुक मिलना चाहिए, तुकात्मक। ठीक है बच्चों, डे, डे का राइमिंग वर्ड हमें इस पोएम में ढूंढना है। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे, हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे। डे का राइमिंग वर्ड क्या दिया है, अवे, ये यहां मैंने लिख दी है, डे का राइमिंग वर्ड अवे। टू, टी डबल ओ, टू। आई एम अप नाउ टू, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू। टू को यू के साथ तुक मिलाया गया है, ये राइमिंग वर्ड है यू। इस वर्ड को आप यहां भरिएगा। लेकिन बच्चों खुद भी पोएम को कई बार रीडिंग कीजिएगा। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2, इसी के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट। मतलब कि आपको दिन में और रात के समय आपके आस पड़ोस में क्या दिखता है। दो बॉक्स इस प्रकार से बुक में बनाया गया है, एक में लिखा है डे, डे में आपको क्या बनाना है, जो भी आपको दिन में दिखता है, जैसे कि सन हो गया, ट्रीज हो गए, हाउसेस हो गए, फिर ये स्काई हो गया, आसमान, फिर घर दिखते हैं हमें, आपको जो कुछ भी दिखता है अपने घर के आसपास या बाहर निकलते वक्त, वो आप बना सकते हैं। दूसरा एक और बॉक्स दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है नाइट, NIGHT, नाइट। नाइट माने बच्चों, GHT, नाइट, नाइट माने हो बच्चों। मेरा इससे तो थोड़ा हैंडराइटिंग खराब बन रहा है, लेकिन आप लोग खूब अच्छे से बहुत सुंदर वाली हैंडराइटिंग में लिखिएगा। नाइट का मतलब होता है रात। रात को हमें क्या दिखता है, चारों तरफ अंधेरा रहता है, लेकिन अंधेरे में भी हमें आकाश में, आसमान में चांद दिखते हैं, तारे दिखते हैं और स्ट्रीट लाइट्स दिखते हैं, जो रास्ते में जो लाइट लगे होते हैं, लोगों के घर के लाइट्स भी दिखते हैं। जो कुछ भी आपको दिखता होगा वह आप इसमें बना सकते हैं और इसी के ऊपर निर्भर करके एक प्रश्न दिया हुआ है कि इस चित्र से आपको दो दो वर्ड यहाँ लिखने हैं। राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। दैट मीन्स दो दो वर्ड उस पिक्चर में जो भी आपने चित्र अंकन किए होंगे उसके लिखने हैं। दिन में आपने क्या किया था, सन, बर्ड्स, बटरफ्लाइज अगर बनाए हैं, अगर आपने घर बनाए हैं तो हाउस, कुछ भी लिख सकते हैं। नाइट, नाइट में आपने क्या क्या बनाए होंगे इसमें लिख सकते हैं। इसमें जो फायर फ्लाइज मैंने लिखे हैं उसका मतलब क्या होता है, जुगनू, जुगनू जो जिसकी एक बत्ती जली हुई होती है ना बच्चों, हमको दिखता है बाहर, उसे जुगनू कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसी को फायर फ्लाइज कहते हैं। टीम टाइम, ये एक टीम में करने के लिए दिया गया है कुछ काम। जैसे कि पहला प्रश्न है डिनर, डिनर मतलब
रात का खाना। तो एक जगह बहुत सारे कीचड़ थी, दिस इज मड, अ बिग फैट वॉर्म लिव्स इन द मड, अ लीफ फॉल्स इन द मड, इट इज द वॉर्म्स डिनर। इसमें कहा गया है कि थोड़ा कीचड़ पड़ा हुआ था, कीचड़ में एक कीड़ा था, कीड़ा उसी कीचड़ में ही रहता था, वो बहुत ही मोटा था, बिग फैट। एक बार एक पेड़ से एक पत्ता, लीफ माने पत्ता, पत्ता गिरा उसी कीचड़ में, तो वह कीचड़, वह पत्ता ही उस कीड़े के लिए क्या बन गया, डिनर बन गया, उसमें उसने उसी को बहुत ही मजे से रात को खाया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म ग्रुप्स, ग्रुप्स में एक एक टुकड़ी में बच्चों को बट जाना है। टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे, आपको अपने बगीचे में दिखा हुआ कोई भी ऐसी घटना अगर याद रह जाती है तो उसको सुनाने के लिए कहा गया है। और अगर अभी आपके पास दोस्त नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन टाइम चल रहा है, आप अपने बगीचे में जाइए और कुछ भी देखते हैं उसे आकर एक कॉपी में लिख के रखिए, और फिर उसको अपने दोस्तों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए, उसके बारे में बातचीत कीजिए। सो बच्चों, जैसे कहा गया है बुक में वैसे ही आप लोग कीजिए, और मैंने जो दे दी है आंसर्स उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, आप उस लिंक से भी लिख सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए थैंक यू, आप लोग इस काम को कंप्लीट कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊं वह आपको पहले मिल जाए।